हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव जर्नी। आज के इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ आपके लिए दो इजी और क्यूट से डीआईवाई, जिसे हम बनाएंगे वेस्ट मटेरियल से। तो हमारा जो पहला डीआईवाई है वो है एक एलिफेंट प्लांटर, जिसे हम बनाने वाले हैं खाली पड़ी हुई फिनाइल की बॉटल से। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एलिफेंट का एक बेसिक शेप रेडी करेंगे, जिसके लिए मैं यहाँ पर स्केच पेन से एक रफली स्ट्रक्चर बना रही हूँ। मार्किंग तो कंप्लीट हो गई है, अब बारी आती है इसे कट करने की। जितना हिस्सा हमने मार्क किया है हम उसे शार्प कटर या फिर नाइफ की हेल्प से कट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने इसे ऑफ कैमरा नाइफ की हेल्प से कट कर लिया है। अब जो इसका बॉटम था उसे भी हम एक प्रॉपर मार्किंग देके स्केच पैड की हेल्प से उसके ऊपर कुछ कर्व बना देंगे, कुछ इस तरह से, और फिर इसे भी कट कर लेंगे। एलिफेंट के ईयर्स बनाने के लिए जो हमने यहाँ पर कंटेनर को कट किया था उसी का कुछ हिस्सा यूज करेंगे और इस तरह से ईयर्स बना देंगे। फिर इन्हें भी हम कट कर लेंगे। अब ये देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने इसे कट किया है वो कुछ इस तरह का है। इसके बॉटम में भी हम एक बड़ा सा होल बना देंगे, जिससे हम इसे हाथी के ऊपर इजीली स्टिक कर पाएंगे। अब मैं यहाँ पर एलिफेंट के बॉडी पार्ट को रफली हाईलाइट कर रही हूँ। मैं बस यहाँ पर बनाने का ट्राई कर रही हूँ कि ये बनने के बाद किस तरह का लुक देगा। आप चाहें तो इसे ऐसे ही एक्रेलिक कलर से इसके बॉडी पार्ट्स को हाईलाइट कर एलिफेंट प्लांटर बना सकते हैं। ईयर्स को एलिफेंट पे स्टिक करने के लिए कटर की हेल्प से हम छोटा सा कट लगाएंगे और ईयर्स को हल्का सा प्रेस करते हुए एलिफेंट में स्टिक कर देंगे, कुछ इस तरह से। अब हम इसका जो बॉटल कैप है उसको ओपन करेंगे और जो हमने बेस रेडी किया था उसे इसके ऊपर रखते हुए बॉटल कैप को वापस से टाइटली क्लोज कर देंगे। तो ये देखिए, हमारा क्यूट सा एलिफेंट प्लांट बनकर रेडी हो गया है। आप चाहें तो ऐसे ही इस पर ईयर्स और पैरों को थोड़ा सा हाईलाइट करते हुए ऐसे ही आप इसे यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ इसे वाइट एक्रेलिक कलर से कलर कर रही हूँ। यहाँ पर ये कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है। अब मैं इस पर बाकी बॉडी पार्ट्स को एक्रेलिक कलर की हेल्प से ड्रॉ कर दूंगी, कुछ इस तरह से। ये देखिए, हमारा एलिफेंट प्लांटर बनकर रेडी हो गया है, जो कि दिखने में बहुत ही सुंदर है। अगली बार अपना वेस्ट मटेरियल फेंकने से पहले इसे जरूर ट्राई करिएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने सेकंड डीआईवाई की तरफ। सेकंड डीआईवाई में मैं यहाँ पर मोल्डेड क्ले का यूज कर रही हूँ। मोल्डेड क्ले से हम छोटे छोटे फ्लावर्स बनाएंगे। मोल्डेड
मोल्डेड क्ले के दोनों पार्ट को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर कटर की हेल्प से 6 बॉल्स को इक्वली कट कर लिया है। अब इन क्ले के टुकड़ों को रोल करते हुए हल्का सा प्रेस करेंगे, जिससे यहाँ पर फ्लावर पेटल का एक लुक क्रिएट हो जाएगा। और फिर वन बाय वन हम इन्हें एक दूसरे पर कुछ इस तरह से रखते हुए फ्लावर बना लेंगे। DIY के लिए हमें डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स बनाने हैं, जिसमें से एक फ्लावर बनके तो रेडी हो गया है। अब सेकंड फ्लावर बनाने के लिए क्ले को रोल आउट करते हुए एक शीट बनाएंगे और फिर कटर की हेल्प से अपना डिजायर शेप हम कट कर लेंगे। मेरे पास इस तरह के बहुत सारे कटर्स हैं जो कि मैंने ऑनलाइन परचेस किए थे। आप चाहें तो आप भी ऑनलाइन में परचेस कर सकते हैं। कटर की हेल्प से इन फ्लावर को बनाना बहुत ही इजी हो जाता है। इस फ्लावर के लुक को एनहांस करने के लिए मैंने यहाँ पर क्ले से छोटी छोटी सी बॉल्स बनाई हैं और फ्लावर के सेंटर में स्टिक कर दी हैं, कुछ इस तरह से। सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम डिफरेंट शेप के फ्लावर्स को कट कर लेंगे। इस DIY में हम इस तरह के खाली घी के कंटेनर को रीयूज करने वाले हैं। हमने जो फ्लावर्स बनाए हैं उन्हें फेविकॉल की हेल्प से वन बाय वन हम इस कंटेनर के ऊपर स्टिक कर देंगे और सूखने के लिए रख देंगे। यहाँ पर ये कम्प्लीटली ड्राई हो गया है। अब मैं इस पर व्हाइट एक्रेलिक कलर से बेस कोट अप्लाई कर रही हूँ। बेस कोट अप्लाई किया था वो अब कम्प्लीटली सूख चुका है। अब हम इस पर पिंक कलर से सेकंड कोट अप्लाई करेंगे। फ्लावर्स को हम डिफरेंट कलर से पेंट कर देंगे। यहाँ पर हम इस कंटेनर को एक डॉल का लुक देने वाले हैं, जिसकी आईज बनाने के लिए मैं यहाँ पर ब्लैक एक्रेलिक कलर का यूज कर रही हूँ। ब्लैक कलर से हम इसकी आईज और पलके बना लेंगे और फिर व्हाइट एक्रेलिक कलर से
हम उसकी हाइलाइटिंग करेंगे और यहाँ पर ब्लैक कलर से ही हम इसका माउथ भी बना देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा क्यूट सा टॉल प्लांटर बनकर रेडी हो गया है। कौन कहेगा कि इसे हमने वीस मटेरियल से बनाया है। अगर आपको ये DIY पसंद आया है तो प्लीज़ आप इन्हें लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।